क्या पाकिस्तान ने करवाया कठुआ में हमला? क्या पाकिस्तान रच रहा था कोई बड़ी साजिश? क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े हैं इस आतंकी हमले के तार? आतंकवादियों के बैग से जो सामान मिला है उसने इन तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। साथ ही जानकार अब दावा कर रहे हैं कि अगर इस हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा निकला तो फिर पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और खराब हो जाएंगे और साथ ही भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं? आतंकवादियों के बैग से ऐसा क्या मिला है जिसने पाकिस्तान पर शक को गहरा दिया है? तो आपको बता दें कि आतंकवादियों के बैग से 3 ग्रेनेड, 1 लाख रुपए भारतीय करेंसी में और चॉकलेट जो कि पाकिस्तान में बनने वाली चॉकलेट है। इसके अलावा चना और चपाती, पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयां और इंजेक्शन, एक सिरिंज, A4 बैटरियों के 2 पैकेट, कई राउंड गोलियां मिली हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 CRPF जवान शहीद हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में कुल 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई इन घटनाओं को देखते हुए सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का बैग सेना के हाथ लगा और जब उसकी जांच हुई तो उसमें जो सामान निकला उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि आतंकवादी के बैग से पाकिस्तानी चॉकलेट और दवाइयों का मिलना बताता है कि आतंकी का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है। 3 दिनों में हुई 3 घटनाओं से हर कोई सकते में है कि आखिर कौन है जो भारत में अशांति फैला रहा है, कौन है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई भारत में ही है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर इन हमलों का कनेक्शन पड़ोसी मुल्क से निकला तो भारत किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा और ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से भांप चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।